बचपन से ही मुझे मैग्नेट्स बहुत पसंद हैं। मैं इनके साथ घंटों तक खेला करता था, लेकिन तब भी मेरे दिमाग में एक सवाल था कि कैसे एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को ढकेल सकता है बिना टच किए हुए। ये मैग्नेट का फोर्स ये एक डिस्टेंस पे कैसे काम करता है? तुमने भी इसके बारे में खूब सोचा होगा कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, कैसे मैग्नेटिक फोर्स एक दूरी से ही एक्ट कर पाता है। क्या इस मैग्नेट को पता है कि इसके आसपास एक दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है? तो क्या एक मैग्नेट को पता होता है कि उसके आसपास क्या क्या चीजें रखी हुई होती हैं? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे यार? तो देखो, आजकल हम इसके बारे में कुछ ऐसे सोचते हैं। हम ये नहीं बोलते कि मैग्नेट्स एक दूसरे को डायरेक्टली ढकेल रहे हैं या डायरेक्टली एक दूसरे को खींच रहे हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि एक मैग्नेट अपने आसपास एक इन्फ्लुएंस को बनाता है, एक फील्ड को बनाता है, और इसी कारण सेकेंड मैग्नेट को इसके होने का पता चल जाता है, और इसी कारण सेकेंड मैग्नेट इसके इफेक्ट को महसूस करता है। अब आओ उसी को समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। एक दिन जब मैं घर आया तो मुझे घर में चमेली के फूल की स्मेल आ गई। अब देखो, मुझे वैसे चमेली का फूल पसंद है नहीं, लेकिन मेरी बहन को ये फूल बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो यानी कि इस स्मेल के कारण मुझे दूर से ही पता पड़ गया कि घर में मेरी बहन आई हुई है कहीं ना कहीं। फूलों ने पूरे घर में एक खुशबू फैला रखी थी, स्मेल का एक इन्फ्लुएंस या फिर फील्ड क्रिएट कर दिया था इन्होंने, तो जिसके कारण जैसे ही मैं घर में घुसा तो वैसे ही मेरे नाक को पता पड़ गया कि ये किस चीज की स्मेल है। अब बिल्कुल इसी तरह हम ये सोच सकते हैं कि हमारा मैग्नेट ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक खुशबू को फैलाता है, और जब ये दूसरा मैग्नेट ये इस खुशबू के दायरे में आता है तो फिर ये इसकी स्मेल को सूंघ तो नहीं पाता है, लेकिन तब ये एक फोर्स को महसूस करता है। अब इसी मैग्नेटिक खुशबू को हम एक टेक्निकल नाम देते हैं, इसे हम बुलाते हैं द मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि ये मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और जब सेकंड मैग्नेट इस फील्ड में आता है तो इस फील्ड के कारण ये एक फोर्स को महसूस करता है, ये एक पुश को महसूस करता है। अब देखो, सिमिलरली ये सेकंड मैग्नेट ये भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, मैंने इसे यहाँ पे दिखा नहीं रखा है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये पहला वाला मैग्नेट ये भी एक फोर्स को महसूस करने वाला है। तो यानी कि एक मैग्नेट ये अपने चारों तरफ फील्ड को जनरेट करता है, जिसके कारण ये दूसरे मैग्नेट्स को पुश या पुल कर पाता है। अब देखो, एक मैग्नेट की फील्ड और फूलों की खुशबू, इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस होता है। देखो, खुशबू कुछ ऐसे फैलती है, फूल हवा में कुछ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को स्प्रेड करेंगे, और जब ये पार्टिकल्स तुम्हारे नाक में जाएंगे तो तुम्हें एक स्मेल की फीलिंग आने वाली है। लेकिन देखो, यहाँ मैग्नेट्स के केस में कोई भी पार्टिकल स्प्रेड नहीं होने वाले हवा में। एक मैग्नेट कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स को स्प्रेड नहीं करता हवा में, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड ये एग्जिस्ट करती है। तो है ना ये एक इंटरेस्टिंग चीज। अब यहाँ पे तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि राम, अगर कोई पार्टिकल स्प्रेड नहीं हो रहे हैं तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड ये एग्जिस्ट करती है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ये रियल है भी या नहीं? तो इसके लिए हमने किया कुछ एक्सपेरिमेंट्स। तो देखो, मान लो कि ये दोनों मैग्नेट्स ये कुछ ऐसे रखे हुए हैं पास पास में, तो हमें पता है कि ये पहले वाला मैग्नेट ये दूसरे वाले मैग्नेट को ढकेलने वाला है, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है। तो अब क्या होगा अगर मैं अचानक से पहले वाले मैग्नेट को गायब कर दूं? क्या होगा इसके फोर्स के साथ? तो देखो, तुम ये बोलोगे कि राम, जैसे ही मैग्नेट गायब हुआ वैसे ही इसका फोर्स ये भी अचानक से गायब हो जाना चाहिए तुरंत के तुरंत। लेकिन जब हमने केयरफुली बहुत ही बारीकी से एक्सपेरिमेंट किया ना, तो हमें पता चला कि देखो, मैग्नेट तो तुरंत गायब हो जाता है, लेकिन इसका फोर्स ये भले ही थोड़े समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, लेकिन एग्जिस्ट करता है और उसके बाद गायब होता है। यानी कि मैग्नेट तुरंत गायब होता है, लेकिन इसका फोर्स ये थोड़े समय के एग्जिस्ट करने के बाद गायब होता है। अब इस चीज को तुम कैसे समझाओगे यार? तो इसे समझने के लिए अब अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। अगर मैं अपनी बहन के चमेली के फूलों को खिड़की के बाहर फेंक दूं तो क्या होगा? तो देखो, मेरी बहन मुझ पर नाराज तो होगी, लेकिन इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि रूम में से चमेली की खुशबू ये तुरंत खत्म हो जाने वाली है? तो नहीं, ये खुशबू अभी भी थोड़े समय के लिए रहने वाली है, भले ही हमने फूलों को खिड़की के बाहर क्यों ना फेंक दिया हो। देखो, इन फूलों की प्रेजेंस, इन फूलों की मौजूदगी हमें अभी भी महसूस हो सकती है। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को बना लेता है, और जब ये मैग्नेट गायब होता है तो उसका फील्ड ये तुरंत के तुरंत गायब नहीं होता है, बल्कि ये बहुत थोड़े समय के लिए फिर भी एग्जिस्ट करता है, और ये समय बहुत ही छोटा होने वाला है, नैनो सेकेंड से भी छोटा। मान लो हम इसे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स में महसूस नहीं कर सकते हैं, और इस छोटे समय के ड्यूरेशन में ये दूसरा वाला मैग्नेट
ये पहले मैग्नेट के फोर्स को फिर भी महसूस कर सकता है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ये मैग्नेट के गायब होने के बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, भले ही थोड़े समय के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितने भी छोटे समय के लिए क्यों ना एग्जिस्ट कर रहा हो। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नेट के गायब होने के बाद भी, तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ये रियल में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो फिर फोर्स ये तो साथ के साथ तुरंत के तुरंत मैग्नेट के साथ गायब हो जाता। अब ये फील्ड का कॉन्सेप्ट ये इतना अमेजिंग है कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं बाकी के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को समझने के लिए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो हो गए जो कि एक डिस्टेंस पे एक्ट करते हैं। जैसे कि तुम इलेक्ट्रिक चार्जेस को ले लो, दो चार्जेस एक दूसरे को एक डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे होता है यार? तो यहां हम ये समझते हैं कि ये चार्जेस ये अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करते हैं और इसी की मदद से ये दूसरे चार्जेस को अफेक्ट कर पाते हैं, उन्हें अट्रैक्ट या रिपेल कर पाते हैं। अब इस केस में हम इस फील्ड को बुलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये केवल इलेक्ट्रिक चार्जेस को ही अफेक्ट कर सकती है। अब सिमिलरली फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये अलग एग्जांपल हो गई। देखो अर्थ और मून ये दोनों ही एक दूसरे को एक डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो ऐसा कैसे हो पाता है यार? तो अर्थ और मून ये दोनों ही अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करते हैं और इसी की मदद से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब देखो इस फील्ड को हम बुलाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और ये केवल मासेस को ही अफेक्ट कर पाता है। तो ग्रेविटी का फील्ड ये उन ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट करता है जिनके पास मासेस हों, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को अफेक्ट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट्स या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स को अफेक्ट करता है। अब आप वीडियो को समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे मैग्नेट्स एक दूसरे को पुश या पुल कर पाते हैं एक डिस्टेंस से। देखो ये डायरेक्टली तो ऐसा करते हैं नहीं, एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, अब जिसके कारण दूर दूर तक इसकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। अब अगर एक दूसरा मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो इमीडिएटली एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस